हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं एंड इट इज़ अबाउट अगेन जीएसटी। इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात चल रही थी, सेक्शन नंबर 16 से लेके सेक्शन नंबर 21 का जो पूरा ब्लॉक है उसके बारे में तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उस पर कुछ सम्स भी हमने देखे और आखिरी फेज बचा है इस टॉपिक का जहाँ पे मैंने रूल नंबर 42 और 43 को पेंडिंग रखा था। इंटेंशनली मैंने इसको एंड के लिए बचा के रखा था बिकॉज रूल नंबर 42 थोड़ा सा टेक्निकल है। सेक्शंस में ऑलरेडी इतनी सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, उनको पढ़ते पढ़ते जब आप ऑलरेडी एक लेवल अचीव कर लेते हो कि हमें इतनी चीज़ें समझ में आ गई तो रूल 43 समझना आपके लिए आसान हो जाता है, अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब रूल 42 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली ये क्या बात कर रहा है मैं आपको बता दूँ, रूल नंबर 42 आपके नोट्स में जो दे रखा है मैंने वहाँ पे भी स्पेस को ब्लैंक रखा हुआ है, इंटेंशनली मैंने उसको ब्लैंक रखा है। मैं ये चाहता हूँ कि आप पहले इसका कंसेप्ट समझें और आप खुद मेरे साथ साथ लिखें। मैं भी यहाँ पे लिख रहा हूँ जो आपको नोट डाउन करना है और आपको भी मेरे साथ साथ लिखते जाना है ताकि उसको लिखते लिखते आप याद कर सकें। देखो सिचुएशन ऐसी है कि हम इनपुट परचेज करते हैं, हम इनपुट सर्विसेज भी अवेल करते हैं, दोनों में से कोई एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। ये इनपुट और ये इनपुट सर्विस जब हम परचेज करते हैं तो हम इस पे पे करते हैं जीएसटी, ये आपको पता है, एंड दिस जीएसटी इज कॉल्ड इनपुट टैक्स, ये आप जानते हैं। ठीक है, अब इनपुट टैक्स आपने पे कर दिया, चलो बात समझ में आई, बट ये इनपुट और इनपुट सर्विस यूज कहाँ कहाँ पे होते हैं? ये यूज हो सकते हैं फॉर प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सप्लाईज, पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं, इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज। ठीक है, इसके साथ ये इनपुट और इनपुट सर्विसेज यूज हो सकते हैं फॉर प्रोवाइडिंग एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, ये भी पॉसिबल है। अच्छा, और भी चीजें हो सकती, नॉन बिजनेस पर्पस सप्लाईज मतलब पर्सनल यूज, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, या फिर कॉमन सप्लाईज। कॉमन सप्लाईज का मैं मतलब यहाँ पे ये निकाल रहा हूँ कि एक ऐसा इनपुट जिससे जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स टैक्सेबल नेचर के हैं और कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो एग्जेम्प्ट नेचर के हैं, मतलब आईटीसी या इनपुट टैक्स जो आप पे कर रहे हो उसमें से आपको पार्शियली क्लेम मिलना चाहिए, पार्शियली क्लेम नहीं मिलना चाहिए, ऐसी कुछ सिचुएशन है। तो इनमें से कोई भी केस हो सकता है या मल्टीपल केसेस हो सकते हैं, और हमने इनपुट टैक्स तो पूरे पे भरा है, जितना भी इनपुट इन सब में यूज़ हो रहा है सबके लिए हमने इनपुट टैक्स तो पे किया ही है, बट हमें ये पता है कि इनपुट टैक्स का क्रेडिट पूरे अमाउंट पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे रूल 42 हमें ये सिखाएगा कि जितना भी इनपुट टैक्स आपने पे किया है या आपने अगर मान लो पूरे इनपुट टैक्स का आईटीसी ले लिया है तो कितना आपको आईटीसी मिलना चाहिए आइडियली और कितना नहीं मिलना चाहिए, उसका पूरा क्लैरिफिकेशन यहाँ पे होगा। एक चीज़ आपको यहाँ पे ये मेरे साथ कोऑपरेट करके चलना है कि जब तक ये टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है आपको 100% क्लैरिटी नहीं आएगी, ये मैं सामने से बता रहा हूँ। मैं कितना भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ चीज़ें इस तरीके से कनेक्टेड हैं कि जब तक आप क्लाइमैक्स पे नहीं पहुँचोगे ना आपको ये स्टार्टिंग का पार्ट भी इतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो आप मेरे साथ साथ बस फॉलो करते जाओ कि हाँ ये बोला है ऐसा होता है, जो लिंक्स कनेक्ट होने हैं ना कि हाँ ये ऐसा इसलिए होता है, ये इसका रीज़न है, ये कंसेप्ट है, ये स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैं आपको एक एक स्टेप समझाता जाऊंगा आपके माइंड में थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आती जाएगी, और लास्ट स्टेप पे आने के बाद जब मैं उन सारी चीज़ों को फिर से एक बार लिंक करूंगा तो आपके माइंड में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि रूल 42 है क्या। क्लियर है? चलो तो अब हम शुरुआत कर लें रूल 42 में हमें क्या करना है। देखो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्टली स्टेप समझा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अभी अलग से कंसेप्ट पे नहीं जा रहा हूँ, जो कंसेप्ट मैं समझाऊंगा स्टेप्स के साथ ही समझाऊंगा, ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। सबसे पहले है स्टेप नंबर 1, आप भी अपने नोट्स में इसी ऑर्डर में लिख सकते हैं, फाइंडिंग या कैलकुलेटिंग कॉमन क्रेडिट। कॉमन क्रेडिट क्या होता है ये हमें कैलकुलेट करना है, कंसिडर करना है। इसके लिए आप एक टेबल बना सकते हैं, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट।
आपके नोट्स में मैंने स्पेस छोड़ी है, जितना हो सके मिनिमम स्पेस यूज़ करो, अननेसेसरीली आप भर भर के स्पेस पहले यूटिलाइज कर लोगे तो हो सकता है बाद में आपको जगह कम पड़ जाए, ठीक है। तो जितना नेसेसरी है, मैंने वैसे उतनी स्पेस इनफ दी आपको, स्टिल आप अननेसेसरी स्पेस को वेस्ट मत करना। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे बोला है फाइंडिंग द कॉमन क्रेडिट। तो कॉमन क्रेडिट के लिए पहले क्या करना है, शुरुआत यहाँ से होगी, टोटल इनपुट टैक्स, ठीक है, जो आपने पे किया हुआ है, इनपुट एंड इनपुट सर्विस, शॉर्ट में लिख रहा हूं, थोड़ा आप समझना, आप पूरा लिख लेना। जितना आपने टोटल इनपुट टैक्स पे किया हुआ है इनपुट्स पे और इनपुट सर्विसेज पे, ये वो अमाउंट है। इसमें से हम कुछ चीज़ों को लेस करेंगे। देखो एक चीज़ का आपको आइडिया ये लेना है कि जो इनपुट टैक्स आपने पे किया है उनमें से कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनका स्पेसिफिकली आपको कोई क्रेडिट मिलने वाला ही नहीं है, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। तो जो इनपुट टैक्स के लिए अपने ITC का लेजर बनाते हैं, आप ITC लेजर में वो चीज़ें लेके ही नहीं जाओगे जिन पे क्रेडिट मिलता नहीं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट जो ये ऑर्डर, मैं इसको एक बार पहला पॉइंट नहीं देता हूँ, मैं इसको ए लिख देता हूँ, पॉइंट नंबर वन ये रखते हैं, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन होगा। जो फर्स्ट पॉइंट की बात हो रही है उसमें उन्होंने बोला है इनपुट टैक्स ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज विच आर यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, मतलब प्राइवेट यूज। ऐसा इनपुट जो आपने यूटिलाइज किया उस गुड्स को बनाने में या उस सर्विस को प्रोवाइड करने में जो स्पेसिफिकली नॉन बिजनेस पर्पस के लिए प्रोवाइड की जा रही है, तो इम्प्लाइड है कि उस पर तो आपको ITC मिलना ही नहीं चाहिए। तो जो भी इनपुट आप एज अ रॉ मटेरियल किसी गुड्स में यूज़ करते हो और वो गुड्स पर्सनल यूज़ के लिए ले लेते हो या नॉन बिजनेस पर्पस के लिए सप्लाई कर देते हो, तो उसमें आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट क्यों मिलेगा, क्लियर है। तो उस पोर्शन को, मतलब ये जो आपका टोटल इनपुट टैक्स पेड है इसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं, इसको मैं नाम देता हूँ टी, ज़्यादा बेटर रहेगा। उसमें से मैं इसको नाम दे रहा हूँ T1, अच्छे से समझना। देखो बार बार बोल रहा हूँ, अच्छे से समझना, स्लो चल रहा हूँ, टेंशन मत लेना। टोटल इनपुट टैक्स जो पे किया उसको क्या नाम दिया, टी। बट ये टोटल इनपुट टैक्स में तो वो सारा इनपुट टैक्स है जो आपने अलग अलग सप्लाईज के लिए यूटिलाइज किया। सबसे पहले पॉइंट में नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज होने वाला जितना भी रॉ मटेरियल या इनपुट है उसके प्रपोर्शन में कितना इनपुट टैक्स का हिस्सा आ रहा है, तो उसको मैं नाम क्या दे रहा हूँ, T1। तो मुझे पता है कि एक्चुअली में मुझे ये T1 का कोई क्रेडिट मिलना नहीं चाहिए, ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो कि T1 का मुझे कोई क्रेडिट मिलना नहीं चाहिए, ठीक है, सही बात है। तो इसलिए मैंने उसको पहले ही माइनस कर दिया। तो पहले हम उन चीज़ों को लेस कर रहे हैं जिनका हमें क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, तो क्योंकि नॉन बिजनेस पर्पस है क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। अब दूसरा सेंटेंस सेम रहेगा, इनपुट टैक्स ऑन इनपुट और इनपुट सर्विसेज विच आर यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर, वो पूरा पार्ट रिपीट है लेकिन एक्सक्लूसिवली फॉर वॉट, फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाईज, क्लियर हुआ। तो उतना हिस्सा हमारे इनपुट का जो हमने उन सप्लाईज के लिए यूज किया जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी की है, तो ऑब्वियसली हमें उनके ऊपर भी कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला, तो हम उस हिस्से को नाम यहाँ पे दे रहे हैं T2। तो हमें मालूम है कि इस पे भी कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो ये भी क्लियर आउट हो गया। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट, ठीक है, तीसरे पॉइंट में उन्होंने बोला है इनपुट टैक्स ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज विच आर इनएलिजिबल फॉर क्रेडिट, ठीक है, ये आपको ध्यान में आ रहा होगा, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। तो यहाँ पे जो भी इनपुट टैक्स पे किया गया है वो इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज कहाँ यूज हुए, उन सप्लाईज में, जो सप्लाईज सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में
प्रोवाइड की जा रही है, इन शॉर्ट उस पर हमें क्रेडिट मिलता नहीं है और वो रिस्ट्रिक्शन इस सेक्शन की वजह से ही है। तो मेरे टोटल इनपुट टैक्स का एक और हिस्सा अलग हो गया जिस पे मुझे पता है कि मुझे ITC नहीं मिलने वाला। यहाँ तक तो क्लियर है। तो ये तीन पॉइंट्स थे। तो मैं सबसे पहले टोटल टैक्स टी में से, टोटल इनपुट टैक्स जो मैंने खर्च किया है उसमें से, इन तीन चीज़ों को अलग कर रहा हूँ। ये वो तीन चीज़ें जिनके बारे में मुझे पहले से पता है कि इसका मुझे कोई क्रेडिट मिलने वाला नहीं है, तो मैं इनको लेजर में लेके ही नहीं गया हूँ। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि मैंने इनको ITC लेजर में क्रेडिट किया ही नहीं है, बिकॉज आई नो कि इसका तो मुझे कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो मैं थोड़ी ना क्रेडिट करके फिर डेबिट करूँगा। तो टोटल जो भी मैं पे कर रहा हूँ उसमें से ये अमाउंट तो मैंने क्रेडिट किया ही नहीं है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो अमाउंट यहाँ पे बचा है वो आप समझ लो, टी में से T1, T2, T3 माइनस करने के बाद जो अमाउंट आया उसको यहाँ पे नाम दिया गया है C1। तो इसको हम बोल सकते हैं दिस इज ITC क्रेडिटेड टू ई क्रेडिट लेजर। ठीक है, डन। दिस इज C1, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, आप इसको चेंज मत करना। तो C1 क्या है? ITC क्रेडिटेड टू ई क्रेडिट लेजर। आई होप यहाँ तक तो समझ आया होगा। अब इसके आगे की कहानी क्या है वो भी समझ लो। मैं ट्राई करता हूँ यहीं पे लिखने की, पता चल जाएगा। फोर्थ पॉइंट में उन्होंने बोला है आपको यहाँ पे क्या लेस करना है। अगेन कुछ लेस करने की ही बात हो रही है। एक बार यहाँ फिर से लिख देता हूँ, लेस करने की बात हो रही है। ITC ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज इंटेंडेड टू बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज। तो यहाँ पे स्टेटमेंट तो सेम ही है, सिर्फ फॉर करके लिख देता हूँ, फॉर टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग है, ऑब्लिक नहीं करता हूँ। इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज। अच्छा, अब ये क्यों लेस कर रहे हैं वो भी आप समझो। आप बोलोगे सर ये तो टैक्सेबल सप्लाईज के लिए यूज होने वाला इनपुट है, इस पे तो हमें पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए। हाँ भाई, मैं मना नहीं कर रहा, मिलना चाहिए, बट मैं सिर्फ उसको सेग्रीगेट कर रहा हूँ इस टोटल क्रेडिट में से विच इज नेम्ड C1। मैं इसमें सेपरेट कर रहा हूँ उसको, इसको नाम दे देते हैं T4। उन्होंने भी इसको नाम दिया हुआ है T4, तो ऑर्डर चेंज नहीं करना है। अब ये जो बचा, ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं C2, और ये C2 जो है दिस इज आवर कॉमन क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर स्क्रीन पर कुछ पोर्शन नहीं दिख रहा है तो मैं रीड भी कर रहा हूँ। लेस जो हमने किया फोर्थ पॉइंट में, फॉर टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज दैट इज नेम्ड T4, और T4 को लेस करने के बाद जो यहाँ पे आ रहा है इट इज C2। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ तक कि ये हो क्या रहा है। अब आगे की भी स्टोरी देख लेते हैं। मैं इसको एक बार आपके लिए सेव कर लेता हूँ, बाई चांस आपको विजिबल ना हो कुछ पोर्शन, तो बाद में हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चल कंटिन्यू करते हैं। तो ये तो एक आपको चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो आगे क्या हो रहा है वो समझते हैं। C2 तक हम पहुँचे, तो अल्टीमेटली हमने ये किया कि टोटल इनपुट टैक्स में से दैट इज टी, हमने कुछ चीज़ें लेस की। जो हमने पहली तीन चीज़ें लेस की T1, T2, T3, ये तीनों वो हैं जिन पे हमें कोई ITC नहीं मिलता। एक उसका फ्रेमवर्क समझ लो। ठीक है, इसके बाद जो आता है C1, हम उसको लेके जाते हैं टू ITC लेजर, क्योंकि हमें पता है कि इसमें वो चीज़ें हैं जिस पे क्रेडिट मिलता है। इसमें से हमने T4 हटा दिया। T4 एक्सक्लूसिवली वो है जिस पे ITC मिलता है। ये लेस करने के बाद हमारे पास क्या बचा? C2। इसको हम बोलते हैं कॉमन क्रेडिट। अब C2 जो है ना, ये इनपुट टैक्स का ITC या इनपुट टैक्स का वो हिस्सा है जिसमें कुछ हिस्सा टैक्सेबल सप्लाईज प्रोवाइड करने के लिए यूज हुआ और कुछ हिस्सा एग्जेम्प्ट सप्लाईज। ठीक है, और हमें वही
अब डिवीजन करना है कि कितना टैक्सेबल सप्लाईज में यूज हुआ और कितना एग्जेम सप्लाईज में यूज हुआ। तो जो अगला स्टेप है जिसकी तरफ हम बढ़ेंगे, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम सी टू को डिवीजन या उसका डिवीजन करेंगे और सी टू में से एक हिस्सा वो अलग करेंगे जितना एट्रीब्यूटेबल है टूवर्ड्स सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज, और दूसरा हिस्सा हम उतना एट्रीब्यूट करेंगे विच शुड बी अप्रोप्रिएटेड टूवर्ड्स सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स और सर्विसेज। तो कॉमन क्रेडिट मतलब अभी इसमें एग्जैक्टली कितना पोर्शन क्या है वो हमें पता नहीं है। जो एक्सक्लूसिव था मतलब टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट में से जो एक्सक्लूसिव चीजें थी, चाहे वो एग्जेम्प्टेड की तरफ हो या टैक्सेबल की तरफ हो, वो हमने अलग कर ली। पहले हमने T1, T2, T3 वो अलग कर लिया कि इस पे तो ITC मिलता ही नहीं, इसको लेजर में लेके क्यों जाना है। नहीं लेके गए, कितना लेके गए, बचा हुआ C1। C1 में से हमने T4 हटाया। T4 वो है जो स्पेसिफिकली टैक्सेबल और जीरो रेटेड सप्लाईज में इस्तेमाल होने वाला इनपुट या इनपुट सर्विस था। अब जो बचा वो कॉमन क्रेडिट है। अब कॉमन क्रेडिट में दोनों हिस्से छुपे हुए हैं बट उसका डिवीजन नहीं पता हमें, कितना टैक्सेबल की तरफ कितना एग्जेम्प्ट की तरफ, वी डोंट नो। तो उसके बारे में हम यहाँ पे आगे अब बात करने वाले, क्लियर। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो कॉमन क्रेडिट की मैं बात कर रहा हूँ C2, ठीक है, वो C2 में डिवीजन कैसे है मैं आपको बता रहा हूँ। पहले उसका एक आउटलाइन दे रहा हूँ, फिर हम एक एक करके कैलकुलेशन करेंगे। एक है D1, दूसरा है D2, और जो तीसरा रिमाइंडर होगा ना उसको बोलेंगे C3। तो एक एक करके हमें उस तरीके से चलना है जिस ऑर्डर में ये लोग बोल रहे हैं वैसे ही उसको प्रेफर करते जाएंगे। तो कैलकुलेट करना है सबसे पहला स्टेप। देखो मैं आपको एक अगर D1 D2 के बारे में बताऊं, तो D1 वो है कि C2 में से कॉमन क्रेडिट में से कितना हिस्सा एग्जेम्प्ट सप्लाईज की तरफ हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात कर रहे हैं D2 की, तो D2 में उन्होंने बोला है द अमाउंट ऑफ क्रेडिट विच इज एट्रीब्यूटेबल टू नॉन बिजनेस पर्पस, मतलब ये जो है ये एट्रीब्यूटेबल है टू नॉन बिजनेस पर्पस, और ये C3, ये जो रिमाइंडर है दिस इज एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेबल प्लस जीरो रेटेड सप्लाईज, ठीक है। ये चीज समझ आ गई आपको? तो इतना तो मैंने आपको एक आउटलाइन दे दिया। अब हम इस आउटलाइन को यूज करके आगे का पूरा पार्ट कैलकुलेट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो स्टेप टू है, लैंग्वेज में आपको लिखवा रहा हूँ क्योंकि नोट्स में लिखा हुआ नहीं है और मैंने इंटेंशनली वो चीज़ बाकी रखी थी, तो मैं भी आपके साथ साथ ही इसको लिख रहा हूँ जैसा मेंशन किया हुआ है। कंप्यूट क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाईज, ठीक है, बाय अपोर्शनमेंट ऑफ कॉमन क्रेडिट, दैट इज ऑब्वियस। तो इतना भी हेडिंग होगा तो चलेगा। चलो अब आगे कैलकुलेशन देखते हैं। देखो पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि जो भी हम यहाँ पे C2 का बाइफरकेशन कर रहे हैं D1, D2, D3 या C3, दैट इज ऑब्वियसली डन ऑन लमसम बेसिस, अजम्पशन बेसिस, रेशियो जो अज्यूम्ड है ऑब्वियसली लॉजिकल है, लेकिन एग्जैक्ट डिवीजन या एग्जैक्ट बाइफरकेशन क्या हुआ होगा वो हमें नहीं पता है, ठीक है। तो तभी तभी तो वो कॉमन क्रेडिट है। तो देखो टोटल इनपुट टैक्स में से जितना एक्सक्लूसिव था, जो हमें पता था कि हाँ ये तो स्पेसिफिकली वो हिस्सा है जो जिसपे ITC मिलता है और ये स्पेसिफिकली वो हिस्सा है जिसपे ITC नहीं मिलता है, वो तो हम पहले ही अलग कर चुके थे। ये वो हिस्सा है जिसका बाइफरकेशन रियलिटी में पॉसिबल नहीं, तो हमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अजम्पशंस लेने पड़ेंगे। तो पहले इन्होंने बोला कि भाई जो D1 हम फाइंड कर रहे हैं ना उसमें हम एक रेशियो का यूज करेंगे E/F और उसको लगा देंगे C2 पे। तो C2 पे जब रेशियो E/F लगाएंगे तो जो आएगा न्यूमरेटर या जो भी रेशियो आएगा दैट वैल्यू इज D1, ठीक है। अब ये E और F है क्या, यानी वो तो पता करें, तो मैं पहले आपको लिखवा देता हूँ कि ये E क्या है, ठीक है। आप E के लिए ऐसा मेंशन कर सकते हो द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाईज ड्यूरिंग
टैक्स पीरियड। ठीक है, टैक्स पीरियड मतलब मंथ, जनरली मंथ होता है, और क्वार्टर या ऐसा कुछ बोला हो तो फिर आपको वैसे यूज करना है। दूसरा जो है एफ, इसमें बोला है द टोटल टर्नओवर इन द स्टेट ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन इन अ टैक्स पीरियड। ठीक है, डन। तो ये सिचुएशन है यहाँ पे, टोटल टर्नओवर इन द स्टेट ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन इन अ टैक्स पीरियड, और ये D1 आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, ई बाई एफ इंटू सी टू फॉर्मूला है। तो आपको ये समझना है लॉजिकली कि जो टोटल टर्नओवर है उसमें से एग्जेम्प्ट सप्लाईज का जितना भी टर्नओवर है वो ही रेशियो में आपको सी टू को डिवाइड करना है, उसमें से आप अपने आप D1 कैलकुलेट कर पाएंगे, और बाकी की जो चीज़ें होंगी इट विल बी D2, C3 वो सब होगा। तो C2 कॉमन क्रेडिट में से D1 का हिस्सा कितना, तो इन द रेशियो ऑफ टर्नओवर। सिंपल, आ गया समझ में? तो ऐसे हमने D1 कैलकुलेट कर लिया। अब हमें आगे बढ़ना है, आगे अगर हम बात करें तो द नेक्स्ट पॉइंट इज D2। D2 के लिए मैंने आपको बोला, इसको अगर हम स्टेप नेक्स्ट स्टेप में ही ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने इसको स्टेप टू में लिखा है, मैं अलग स्टेप कर देता हूँ। ठीक है, कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू नॉन बिजनेस पर्पस, दैट इज सॉरी मैं D3 क्यों लिख रहा हूँ, इट इज D2। D2 ठीक है, डन। अब इसमें तो इन्होंने बोला कि यार यहाँ तक आते आते तो हम भी बहुत थक गए, इतना सारा गिनवा दिया, T1 T4 पता नहीं क्या क्या था, फिर E बाई F ये वो, अब बहुत हो गया, अब इसको जल्दी ख़त्म करो। बोले ठीक है चलो, अजम्पशन ले लेते हैं, D2 इज 5% ऑफ C2। बोलो अब इसे शॉर्ट भी कुछ करना है क्या, ईजी हो गया, ठीक है समझ में आ गया। तो D2 इज 5% ऑफ C2, तो ईजी काम कर दिया आपके लिए, बस ये खत्म हो गया यहाँ पे, इतना ही है। आप सोचोगे यार एब्रप्टली खत्म कर दिया, अभी तक तो इतना खींच रहे थे हर बात को, अब शॉर्ट में निपटा रहे हैं। अब लास्ट में है कंप्यूट द एलिजिबल क्रेडिट्स, कंप्यूट द एलिजिबल क्रेडिट। एलिजिबल क्रेडिट का मतलब एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेबल एंड द अदर वन इज टैक्सेबल एट जीरो रेटेड सप्लाई। जल्दी खत्म करना पड़ेगा, अब तो मैं भी भूलने लगा हूँ। एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेबल एंड जीरो रेटेड सप्लाई, इसको नाम देंगे C3। ये वो हिस्सा है जिसका हमें क्रेडिट मिलेगा, मतलब C2 में से वो हिस्सा जिसका हम क्रेडिट ले सकते हैं। तो C2 में से D1 निकाल दो, D2 निकाल दो, जो बचा वो क्या है C3। आया है समझ में? तो इसका आप ITC ले सकते हो। क्लियर यहाँ तक पता चला? तो ये आखिरी स्टेप था आपका, इसकी हम बात कर रहे थे। अब अल्टीमेटली फाइनली क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। फाइनली ये हुआ कि आप ITC लेजर की अगर आप बात करते हो तो आपको पहली चीज़ तो ये कि ITC किस चीज़ का मिला, एक अगर ITC क्लेम करने की जो लिस्ट है तो हमें T4 का ITC मिला, क्योंकि ये पता है टैक्सेबल और जीरो रेटेड के लिए एक्सक्लूसिवली यूज होने वाली चीज़ है, तो दिस इज T4। और दूसरा अगर आपको किसी चीज़ का क्रेडिट मिला तो वो है C3। तो आपके ITC के लेजर में आपको क्या क्या क्लेम करना है, देखो T4 तो आपने ऑलरेडी क्लेम कर ही लिया होगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने C2 कॉमन क्रेडिट भी क्लेम कर लिया होगा। अब सर T1 T2 T3 का क्या हुआ? भाई वो तो पहले से पता था कि एक्सक्लूसिवली यूज्ड है एग्जेम्प्ट और नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, तो फिर उसको क्यों क्लेम करेंगे? तो T1 T2 T3 तो क्रेडिट हुआ ही नहीं होगा। तो ये जो ई लेजर है आपका, ठीक है, इसमें T4 क्रेडिट हुआ होगा क्योंकि ये तो गारंटीड है कि मिलेगा। C2 क्रेडिट हुआ होगा क्योंकि कॉमन क्रेडिट है,
बट हमें ये पता था कि ये सी टू में कुछ गड़बड़ है। सी टू के अंदर कुछ ऐसा क्रेडिट भी छुपा हुआ है विच इज़ एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्टेड सप्लाईज एंड नॉन बिजनेस पर्पस, बट उसका प्रपोर्शन कितना है वी डोंट नो। तो जो भी उसका प्रपोर्शन है पहले वो फाइंड आउट करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने सी टू के हिस्से किए, उसमें से डी वन पता किया, डी टू पता किया, सी थ्री पता किया। तो डी वन और डी टू का क्रेडिट हमें मिलना नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसका रिवर्सल। आया है समझ में, इसका रिवर्सल। तो आप क्रेडिट लेजर में सामने लिख दो डी वन डी टू। आपको नहीं लग रहा कि ये सी टू डी वन और डी टू, अगर हम इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखें, ये वाला जो पूरा पार्ट है, तो अल्टीमेटली कुछ ऐसा हुआ है, ऐसा आपको नहीं लग रहा? ठीक है, होना ही चाहिए, ठीक है। सी टू के सामने डी वन डी टू ले लिया तो अपने आप सी थ्री आ ही गया ना, अपना पर्पस पूरा हो गया। आ गया कुछ समझ में? तो इस तरीके से फाइनली हमें ये पता चला कि आईटीसी के लेजर में हमें क्या क्लेम करना है और क्या रिवर्स करना है। ठीक है, तो आईटीसी के लेजर में हमें टी फोर डायरेक्टली क्लेम करना है। अच्छा, इसके अलावा टी वन टी टू टी थ्री हमें क्लेम ही नहीं करना है, और दूसरा जो सी टू हमने यहाँ क्लेम कर लिया था उसके सामने डी वन डी टू लिख के इसको पूरे को बैलेंस करना है। तो अल्टीमेटली हमारे आई टी सी के लेजर में किस तरीके से इफेक्ट आएगा वो पूरा आपके सामने। आई होप यहाँ तक आके अब आपको पूरी क्लैरिटी आई होगी कि रूल 42 कैसे फंक्शन करता है। तो मुझे जो पॉइंट्स आपको प्रैक्टिकली बताने थे सम्स के लिए वो इतने ही थे। अब हम आगे जो है इसके सम्स की बात करेंगे, प्रैक्टिकल टॉपिक्स की बात करेंगे। मैं ये लेक्चर यहीं पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि सम अभी कंटिन्यू करूँगा ना आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, फिर आप ये भी नहीं देखोगे। तो पहले इसको शांति से समझ लो, ये लेक्चर एंड करने के बाद पूरा इसको स्टार्टिंग से एक बार खुद स्टडी करो, अकेले मेरे बोलने पे या मेरे साथ साथ नहीं, अकेले, के आपको कितना समझ में आया। ठीक है, और फिर अगले लेक्चर में हम इसके जो सम्स मैंने आपको दे रखे हैं वो डिस्कस करेंगे एंड उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।